हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? हियर शिल्पी सैनी फ्रॉम सूरज स्कूल भिवाड़ी, पीजीटी इंग्लिश। टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आर्टिकल राइटिंग। व्हाट इज एन आर्टिकल? एन आर्टिकल इज अ नॉन फिक्शनल राइटिंग। इट डिस्क्राइब्स एनी पर्टिकुलर इंसिडेंट और डिस्कसेस अ थीम और अ सोशल कंसर्न। जो आपका ये है आर्टिकल है, ये एक नॉन फिक्शनल राइटिंग है, ठीक है। और ये क्या डिस्क्राइब करती है? किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को, या फिर इस टॉपिक के ऊपर किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं, या फिर कोई भी सोशल इशू जो है, ठीक है, उसकी थीम के ऊपर डिस्कस करते हैं। इस तरीके से कोई सोशल है या कोई इंसिडेंट है, इसके ऊपर हमें टॉपिक दे दिया जाता है, उसके ऊपर हम जो है नॉन फिक्शनल राइटिंग लिखते हैं, दैट इज़ नोन एज आर्टिकल। आर्टिकल इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। द फर्स्ट इज़ टाइटल, दैट इज़ नोन एज हेडिंग ऑल्सो। इट टेल्स अस व्हाट द आर्टिकल इज़ अबाउट, on what are the things which we have mentioned, that tells us the title. The title tells us that what are the things which we have mentioned in our article. Name of the writer and author, that is written just below the title, okay, and that is known as byline. Just below the title we just write the name of the writer or author. If you are writing an article, you have been given the question to write an article, then you have to write your name there. If there is any other name in the question, okay, then you have to write the same name that is written in the question, okay, and that is known as byline, that is written just below the title, okay. The format will be given to you later. And then the third part is body, the article, okay. Body, what is means, how will we develop our ideas, okay, in the article, that is known as the body of the article. It is further divided into three parts. The first is introduction, second is development of ideas, third is conclusion. In first part you have to discuss about the title, about the topic of the article, okay. You have to write the things that makes the concept clear, that on which topic the article is written about. क्लियर? आपको जो है फर्स्ट में क्या लिखना है, उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है जिसमें जो आपका टाइटल है आर्टिकल का, उसको आप डिफाइन करते हो, उसके बारे में बताते हो, दैट इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट। सेकंड इज डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़। जो भी आपकी डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़ है, आप अपने आइडियाज़ को पहले कहीं पर जो है लिख लो, फिर उसके बाद आप उस आइडियाज़ को अपने आर्टिकल में, उस बॉडी के जो है मिड सेक्शन में आप उसको मेंशन करोगे कि किस तरीके से, कैसे है और क्या है। द क्वेश्चन अराइजेज व्हेन, व्हाट, वेयर, इन सब के आंसर हमारे पास आर्टिकल में होने चाहिए, ठीक है। और द थर्ड पार्ट इज कंक्लूजन, दैट इज कंक्लूडिंग पार्ट, ओके। तो आपको कंक्लूजन जो है देना होता है कि आपने जो है इसके ऊपर आपकी क्या सजेशन है, और इसके बाद आप इस टॉपिक को कैसे कंक्लूड कर सकते हो। सपोज अगर आपने लिखना है कि ऑल दो अवर गवर्नमेंट हैज़ टेकन सो मेनी स्टेप्स बट इट शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, तो आपको स्टेप्स बताने होते हैं कि जो है किस तरीके से हमारे जो है गवर्नमेंट जो है स्टेप्स ले रही है, और किस तरीके से हम इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। कि जो है गवर्नमेंट हमारी हमेशा स्टेप्स लेती रहती है, तो इस तरह की लाइन हम लास्ट में लिख के अपने आर्टिकल को कंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज कंक्लूजन ऑफ द आर्टिकल, ओके क्लास। एंड रीड द क्वेश्चन केयरफुली, द थिंग्स विच वी हैव टू मैंशन ड्यूरिंग राइटिंग आर्टिकल, कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली, जो भी क्वेश्चन है हमें केयरफुली रीड करना है। राइट आइडियाज़, हमारे जो भी राइट आइडियाज़ है, जो हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारे माइंड में आइडियाज़ आते हैं ना, जिस टॉपिक से रिलेटेड, वो हमें जो है कहीं लिख लेने हैं या माइंड में सेट कर लेने हैं कि हम जब लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे। यूज़ एक्सप्रेशंस, हमारे जो आर्टिकल है उसमें एक्सप्रेशंस और एड कोटेशंस, वर्ड लिमिट, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। हम अपने आर्टिकल को एक अट्रैक्टिव और आई कैची बनाने के लिए इसमें कोटेशंस और एक्सप्रेशंस के भी यूज़ कर सकते हैं। कोटेशंस में सेइंग होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद है वर्ड लिमिट, हमें वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना होता है कि हमारे आर्टिकल की जो भी वर्ड लिमिट है 100 टू 150 नियर अबाउट, तो हमें इस वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना होता है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। वी हैव डिस्कस इन शॉर्ट, आई थिंक द थिंग्स आर क्लियर टू यू, बट नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल, ओके, आर्टिकल राइटिंग में, ओके क्लास। एन आर्टिकल इज अ पीस ऑफ नॉन फिक्शनल प्रोज राइटिंग, ये एक पीस है नॉन फिक्शनल प्रोज राइटिंग की, ओके, दैट इवेल्युएट्स स्टूडेंट्स स्किल इन एक्सप्रेसिंग आइडिया। ये जो है ये एक नॉन फिक्शनल प्रोज राइटिंग है जो कि स्टूडेंट्स के आइडियाज़ को जो है डेवलप करती है, और उनको जो है और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए इंस्पायर करती है, जिसके थ्रू वो अपने आइडियाज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से लिख पाएँ,
तो इस तरीके से हम आर्टिकल राइटिंग जो है करते हैं। आगे देखिए, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रेजेंटिंग आइडियाज, किस तरीके से आइडियाज को स्टूडेंट्स इसके थ्रू क्या सीखते हैं कि किस तरीके से आइडियाज को हमें प्लान करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उनको कैसे प्रेजेंट करना है आइडियाज को विथ सपोर्टिव एग्जाम्पल्स, और हम उसमें अपने कुछ सपोर्टिव एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। कंप्रीहेंडिंग आइडियाज एंड अराइविंग एंड अट्रैक्टिव कंक्लूजन, और हम किस तरीके से अपने जो है आइडियाज को एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रेजेंट करते हैं और एक अट्रैक्टिव कंक्लूजन देते हैं। ठीक है, इट इज़ रिटन टू एक्सप्रेस पर्सनल ओपिनियन, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ वैरायटी ऑफ थीम्स। तो ये कैसे क्या है, इसमें आप क्या देख सकते हैं कि ये रिटन होती है एक्सप्रेस करने के लिए पर्सनल ओपिनियन। इट इज़ रिटन टू एक्सप्रेस पर्सनल ओपिनियंस, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन वैरायटी ऑफ थीम्स, और ये इंफॉर्मेशन देती है कई सारे, मतलब कि कई सारी जो वैरायटीज है उसकी थीम्स के ऊपर, टू इन्फॉर्म, प्रस्यूड, एंटरटेन और कन्वेंस पीपल, ताकि लोगों को आप अपने आइडियाज के थ्रू इन सब चीज़ों के माध्यम से लोगों को कन्वेंस कर सकें, इंटरटेन कर सकें। क्लियर क्लास? तो आइडिया आप क्या है ये, व्हाट इज एन आर्टिकल इन डिटेल, इफ यू आर आस्क द क्वेश्चन दैट व्हाट इज एन आर्टिकल, तो आप क्या लिखेंगे? एन आर्टिकल इज अ पीस ऑफ नॉन फिक्शनल, ये एक जो है फैक्ट के ऊपर बेसिस से आप इसमें फैक्ट डालेंगे, आइडिया एक्सप्रेस करेंगे, अपनी आइडियाज़ को प्लान करके और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, इसमें आप जो है कुछ ऐसे एग्जांपल डालेंगे जिससे आपके आइडियाज़ और ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, और आप इसमें एक अट्रैक्टिव और अच्छा अराइविंग कंक्लूजन भी देंगे, और ये आपका कैसे एक्सप्रेस करता है, पर्सनल ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, प्रेजेंट जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको इसमें प्रेजेंट करते हो, और ये एंटरटेन मतलब फिर आपके जो आइडियाज आप किस तरीके से लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आइडियाज प्रेजेंट कर सकते हैं उसको अच्छे तरीके से जो है ऑर्गेनाइज वे में। क्लियर क्लास? फिर स्टेप्स टू राइट एन आर्टिकल, तो कई सारे इसमें स्टेप्स है तो हम इसको डिस्कस करेंगे। टू बिगिन विद राइटिंग एन आर्टिकल, वन शुड बी वेरी क्लियर ऑफ द आइडियोलॉजी दैट नीड्स टू बी फॉलोड। हम जब आर्टिकल लिखते हैं तो हमें इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से और क्या करना है। फर्स्ट स्टेप आप इसमें देखेंगे, टाइटल हेडिंग टू द आर्टिकल। ठीक है, तो हमें एक एप्ट अप्रोप्रिएट टाइटल देना चाहिए, एक अच्छी हेडिंग देनी चाहिए। द टाइटल कैन बी गिवेन आफ्टर कंप्लीटिंग द बॉडी ऑफ द आर्टिकल। जब हमारे मतलब कि जो है बॉडी आर्टिकल की कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हमें जो भी टाइटल है वो प्रॉपर तरीके से फिक्स कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए। टू डिलीवर जस्टिस टू द कंटेंट, ताकि आपने जो भी कंटेंट लिखा है आपका टाइटल उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। बट क्वेश्चन में आपको जब आर्टिकल दिया जाता है तो उसमें आपको ऑलरेडी टाइटल दे दिया जाता है या टाइटल से रिलेटेड कंटेंट दे दिया जाता है, तो यहाँ पर आप अपने टाइटल को प्रिपेयर करके, पहले टाइटल प्लान करके जो कि आई कैची होना चाहिए और आपका टॉपिक रेलिवेंट होना चाहिए, फिर उसके बाद जो है आप उसके आइडियाज़ को प्रॉपर तरीके से लिखना शुरू करेंगे। नेक्स्ट कम्स द नेम ऑफ द राइटर, यू इन दिस केस। ठीक है, और अगला जो स्टेप है, पहले आपने टाइटल प्लान कर लिया है। ठीक है, टाइटल अच्छे से प्लान कर लिया आपने, टाइटल आपका कैपिटल जाएगा, ईच लेटर ऑफ द वर्ड विल बी रिटन इन कैपिटल। आपके टाइटल का हर आगे का जो पहला अक्षर है वो आपका कैपिटल होगा, प्रीपोजिशंस छोड़ के। अगला स्टेप आता है राइटर नेम। ठीक है ना, आप भी हो सकते हैं क्योंकि आपका नेम मतलब क्वेश्चन में जो नेम है उस नेम को लिखना होता है। ठीक है ना, यू हैव टू राइट द सेम नेम दैट इज रिटन इन द क्वेश्चन। ओके, इट शुड बी मेंशनड जस्ट बिलो द हेडिंग, हेडिंग के जस्ट नीचे बाई लाइन की तरफ, बाई और फिर उसके बाद नेम ऑफ द राइटर आपको लिखना है। आई विल गिव यू द फॉर्मेट। द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द आर्टिकल इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंटेंट, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द आर्टिकल। ओके, कि जो है किस तरीके से आप अपने आइडियाज को डिवेलप करोगे वो आप लिखोगे। इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव ऑफ द व्यू पॉइंट्स ऑफ द राइटर, ये डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। क्लियर, और अच्छे तरीके से और ऑर्गेनाइज वे में आइडियाज होने चाहिए, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है क्लास? राइट राइट वाइल क्रिएटिंग द बॉडी ऑफ द आर्टिकल द राइटर शुड इंक्लूड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कवरिंग द एस्पेक्ट सच एज कॉज इफेक्ट सोल्यूशन एंड स्टेप्स। ये चार जो आपने पॉइंट्स अभी सुने हैं, कॉज इफेक्ट सोल्यूशन और स्टेप्स, ये सारे एस्पेक्ट्स आपके डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज में मेंशन होने चाहिए। जब आप अपने आइडियाज को डेवलप कर रहे हो, फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्टरी पार्ट, सेकेंड आप उसमें अपने आइडियाज दे रहे हो किस तरीके से अपने विचार को और अपने आइडियाज को आप डेवलप कर रहे हो अपने उसमें, तो उसमें आपकी ये सब चीज़ें आप डाल सकते हो, कॉज इफेक्ट सोल्यूशन एंड स्टेप्स को आराम से डाल सकते हो।
फिर उसके बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिकल टू कंसिस्ट ऑफ अ कंक्लूजन. अब आर्टिकल के लिए आप ये देख सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको जो कंक्लूड करो, तो कंक्लूडिंग पार्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए. ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसको बहुत ही अट्रैक्टिव वे में लिखना चाहिए. तो अगर आप वो प्रॉपर नहीं लिखोगे तो आपका आर्टिकल इनकम्प्लीट माना जाएगा. तो आप उसमें सजेशन दोगे, ठीक है, कि आप क्या जो है सजेशन दे सकते हो और आपकी गवर्नमेंट जो है क्या स्टेप्स ले रही है और एक कैसे फॉलो होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ऑल दो अवर गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स बट इट शुड बी फॉलोड वेरी स्ट्रिक्टली. यू कैन गिव दिस काइंड ऑफ सजेशन इन योर कंक्लूडिंग पैराग्राफ. ओके, द कंक्लूजन शुड बी अ पॉइंट ऑफ बैलेंस रीच्ड आफ्टर कंपेरिजन ऑफ कंट्रास्टिंग आइडियाज एंड व्यूज. इट शुड कन्विंस प्रिसीडेड द रीडर इन सम वे. तो आपका जो कंक्लूजन है ना वो ऐसा होना चाहिए कि उससे जो रीडर है जो आपका आर्टिकल पढ़ रहा है वो उससे जरूर कन्विंस हो और ये जो है एक अच्छे तरीके से लिखा हुआ कंक्लूडिंग पार्ट होना चाहिए. ठीक है, आप जो अपना कंक्लूजन दे रहे हो तो आपके आर्टिकल से रिलेट करता हुआ और एक अट्रैक्टिव कंक्लूजन वो होना चाहिए. क्लियर. अभी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप अपने ध्यान में रखेंगे. पॉइंट्स टू बी कैप्ट इन योर माइंड. एन आर्टिकल इज अ सिंगल आइडिया एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड इन अ डिटेल. एक सिंगल आइडिया होता है जिसका टाइटल आप ऊपर दे देते हो, ठीक है, वो डिटेल में डिस्कस होता है. द टाइटल ऑफ द आर्टिकल शुड बी सपोर्टिव ऑफ द कंटेंट. और जो टाइटल है जो और आपका कंटेंट है वो दोनों आपस में कनेक्टेड होना चाहिए. ठीक है, आपका टाइटल आपके कंटेंट को सपोर्ट करना चाहिए. द आइडिया प्रेजेंटेड शुड बी प्लान्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. और जो भी आपने आइडियाज़ दिया है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस वाइज होना चाहिए. और आपका कंट्रास्टिंग व्यू रिलेटेड टू द टॉपिक मस्ट बी मैंशनड. और आपके जो है कंट्रास्टिंग व्यू जो कि टॉपिक से रिलेट कर रहा है, ठीक है, वो भी उसमें आप मैंशन कर सकते हो. पॉइंट शुड नॉट बी रिपीटेड. आप किसी भी बात को अपने वर्ड्स लिमिट को बढ़ाने के लिए बार बार रिपीट नहीं कर सकते हो. सिंपल लैंग्वेज अगर आप यूज़ करते हो और सिंपल सेंटेंस यूज़ करते हो, शॉर्ट सेंटेंस यूज़ करते हो, तो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक कम होने के चांसेस हैं. तो आप इन ऑर्डर टू अवॉइड द ग्रामेटिकल मिस्टेक यूज सिंपल लैंग्वेज एंड शॉर्ट सेंटेंसेज. ठीक है, और आपकी जो वर्ड लिमिट है 100 to 150 आप उसका ध्यान रखेंगे. ठीक है, कंक्लूजन शुड बी शॉर्ट एंड क्लियर. जो भी आप कंक्लूजन दे रहे हो वो शॉर्ट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए. ऑलवेज गो थ्रू द आर्टिकल अगेन टू इंश्योर क्वालिटेटिव कंटेंट. और आपका जो भी आर्टिकल है वो जो है आप इस बात पर आप इंश्योर हो कि उसने जो भी आप मैटर डाले हो वो रेलिवेंट होना चाहिए, क्वालिटेटिव होना चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं लिखोगे. क्लियर क्लास. नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल. तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पे. सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है टाइटल. क्लियर. सबसे पहले हमारा यहाँ पर टाइटल है, रिसाइकल योर ट्रैश. क्लियर. फिर उसके बाद हमने देखिए यहाँ पर बाईलाइन लिखी है. क्लियर, यहाँ पर देखिए हमने बाईलाइन लिखी है. इसके बाद फिर इसके बाद देखिए आप, हमारा फर्स्ट पार्ट इज द हेडिंग, द टाइटल एंड द सेकेंड पार्ट इज द बाईलाइन एंड द थर्ड इज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. इंट्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल शुड बी थ्रू प्रूविंग प्रोवोकिंग. इट कैन बी क्वोट, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन. इसमें आप कोटेशन डाल सकते हो, इसमें आप ऑब्जर्वेशन तरीके से अच्छे तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो और इसमें क्वेश्चन भी आप पुटअप कर सकते हो. मिडिल पैराग्राफ, इसमें आप टाइटल भी दे सकते हो, ठीक है. और फिर उसके बाद जो मिडिल पैराग्राफ है वो आपका कैसा होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, ठीक है, उसमें सारे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. फिर आपका जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है आप उसको कंक्लूड करोगे. ये सारी चीज़ें हम अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं. एंड नाउ पे अटेंशन हियर ऑन द फॉर्मेट ऑफ दिस आर्टिकल. ओके, द फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द टाइटल, टू राइट द हेडिंग. द सेकेंड स्टेप इज बाईलाइन. द थर्ड स्टेप इज वॉट, द बॉडी ऑफ द आर्टिकल. फर्दर इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट. द फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट. यू कैन सी द फर्स्ट थ्री लाइन्स आर इंट्रोडक्टरी लाइन्स. एंड द सेकेंड स्टेप इज दैट इज अ डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज. ओके, दैट इज वॉट, डिवलपमेंट ऑफ द आइडियाज. एंड द थर्ड इज कंक्लूडिंग पार्ट. ओके क्लास, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अवर आर्टिकल. क्लियर, दिस इज द फॉर्मेट. एंड देन दीज आर थ्री क्वेश्चंस विच यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. ओके, डू इट प्रॉपरली. इफ यू हैव स्टिल एनी प्रॉब्लम देन कॉन्टैक्ट टू मी. ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. द होमवर्क इज गिवन ऑलरेडी इन द in this video lecture. Pay attention here, take a screenshot. Thank you, have a nice day.